गाइज, वैसे तो आपको लगता होगा कि अब टोबे के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में वेनम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्पाइडरमैन ने उसे मूवी की एंडिंग में पंपकिन बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी टोबे के यूनिवर्स में वेनम अब भी जिंदा है। क्योंकि जैसा कि हमने इस सीन में देखा था कि जब वेनम स्पाइडरमैन की बॉडी से अटैच हो जाता है, तब यहाँ पर स्पाइडरमैन वेनम के एक सैंपल को डॉक्टर कोनस के पास ले जाता है। लेकिन टेस्ट के बाद स्पाइडरमैन वेनम के इस पार्ट को डॉक्टर कोनस को ही दे देता है, और इसलिए वैसे तो स्पाइडरमैन ने मूवी की एंडिंग में वेनम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर कोनस की लैब में वेनम का वो छोटा सा पार्ट अभी भी जिंदा है। और अब एमसीयू में भी वेनम की एंट्री हो चुकी है, जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से जाकर अटैच हो जाएगा, और इसलिए आगे चलकर हमें इन दोनों स्पाइडरमैन के बीच वेनम को लेकर कोई न कोई कनेक्शन देखने को मिल सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना।